ये मिठास जो है वो हरियाणा तक भी फैलेगी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और अब जरा ये देख लीजिए, मीटर देख लीजिए, पब्लिक का मीटर, जो जनादेश उसने सुनाया है उसके रुझानों का ये मीटर है। हरियाणा 90 में से 90, बीजेपी 48 पर, कांग्रेस 36 पर इस वक्त नजर आ रही। लेकिन बहुत तेजी से तब्दील हो रहे हैं ये आंकड़े। राजनीति के जो जानकार हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ऊंट को हो क्या रहा है। तो देखिए, बीजेपी 49 सीटों पर रुझानों में आगे है और कांग्रेस इस वक्त 53 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला है और हमने ये भी देखा है कि लगातार इन आंकड़ों में तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है। हो सकता है कि अगले पल ही कुछ और बड़े बदलाव हो। हम सीधे संजय जी का एक बार रुख करेंगे, उनसे समझना चाहेंगे। संजय जी, क्या लग रहा है आपको, हरियाणा में ये जो तब्दीली हो रही बहुत तेजी से, इसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि जलेबियां बटनी शुरू हो चुकी है हरियाणा में। देखिए, कुछ आंकड़े हैं जो आंकड़े, भाई राजनीतिक विशेषज्ञ के नाते मेरे आंकड़े से मेरी दोस्ती है, थोड़ा आंकड़े आंकड़े खेलना चाहता हूं। देखिए, 1900 चुनाव पे आप अगर उसका विश्लेषण करेंगी और आज के चुनाव का विश्लेषण करेंगी तो थोड़ा सा मुझे अंतर दिख रहा है। जो जीडीपी को वोट परसेंट मिला था तकरीबन 14.87% मिला था, वो अब जीडीपी देखिए 0 पे है, तो और उसमें 31% हमारे जाट भाइयों का वोट था, तो वो वोट कहां शिफ्ट हुआ है? अगर वो वोट शिफ्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस पे, ये सोचने वाला प्रश्न चिन्ह है। जो आज के अभी आंकड़े आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो 31% जाट था और 14.87% था, वो भारतीय जनता पार्टी में मैक्सिमम शिफ्ट हुआ, थोड़ा बहुत कांग्रेस के साथ गया है। लेकिन हां, जहां भी छोटी पार्टी से INLD हुआ, आपके जेजेपी हुआ, चाहे वो दूसरी पार्टियां छोटी पार्टियां, वो अगर सशस्त्र तरीके से लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस पार्टी को ज्यादा हो रहा था। वैसे लग रहा था बाईपोलर होगा, लेकिन अब बाईपोलर नहीं हो रहा, क्योंकि बीएसपी ने कहीं ना कहीं अपना खाता 2 सीटों से खोल लिया है। अगर ये खाता खुलता है तो खाते में नुकसान कितना होता है कि 2 सीट नहीं जीतते हैं, ये तकरीबन 10 सीटों का समीकरण बिगाड़ देते हैं। और समीकरण किसका बिगाड़ते हैं, कहीं ना कहीं एक जो वोट जो बीजेपी एंटी बीजेपी वोट है उसको बिगाड़ते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 महीने में बार बार बोल रहा था, देखिए चुनाव वोटिंग 5 तारीख को हुई थी, जो 1 तारीख का जो दौर है उसमें पैटर्न चेंज हो जाता है। चुनाव हमेशा नैरेटिव पे होता, नैरेटिव को कैसे सेट किया जाता ये जानना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोगों ने नैरेटिव को बहुत अच्छा सेट किया था, कांग्रेस ने, नो डाउट रेनू ने बहुत अच्छा सेट किया था, बहुत अच्छा माहौल भी चल रहा था। मैं बार बार बोलता हूं, अगर वो 70 के पार जाते तो मैं मान लेता सुनामी है, लेकिन मैं परसों से बोलना सुनामी नामी नहीं आ रही, सुनामी के लिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हिलना चाहिए धरती के अंदर, तब सुनामी होती है। वो धरती के अंदर हिलन कहीं मुझे नहीं दिख रही है, जो हिलन ला सकते थे राहुल गांधी वो नहीं ला पाए। दूसरी बात ये, कहीं ना कहीं समीकरण को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संजीदगी से, हल्के से, अंडरग्राउंड होकर के चीजों को बैठाया है, उस समीकरण का रिजल्ट आपको दिख रहा है। देखिए, जब समीकरण क्या होता है कि एंटी जाट, बार बार बोलते हैं कि भैया एक जाटों की पार्टी है, या बोला जाता है कि जाट बाहुल क्षेत्र है या जाट लैंड कहा जाता है, तो इसको नहीं मानता हूं मैं। जहां से ही आप एंटी जाट होते हैं या जाट के साथ जुड़ते हैं, तो दूसरा जो वोट बैंक है, जो दलित हो तकरीबन 20.4% हो, बाकी जो समुदाय के वोटर कहीं ना कहीं दूसरे तरफ शिफ्ट होते हैं। तो अगर पूरा पूरा जाट अगर कांग्रेस के साथ नहीं गया, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी गया है, और दूसरा जो वोट है वो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आता, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, वो कांग्रेस को हुआ। और कांग्रेस ने हमेशा 2 चीजों पर खेल खेलने की कोशिश की, एक महिला पहलवान। मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन वो महिला राजनीतिक महिला हो तो उसके साथ अन्याय हो रहा तो मुझे बुरा नहीं लगता। काहे का अन्याय, ये बताइए, 2010 की घटना हो जाती है, उस पर अपन न्याय मानने लगते हो, जमीन पर लेटने लगते हो, ये कोई अन्याय नहीं है। हमारी बहुत सारी वहां बहनें हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ अन्याय इन 2 महीनों ने किया, इन महिला पहलवानों ने किया, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। जवानों की देखिए, जवान जितनी एंट्री होनी थी उतनी हो रही है, लेकिन रोजगार को कैसे बढ़ाया जाए, इस क्षेत्र में ये नई स्कीम लाई गई थी, उसको समझाना चाह रहा था, लेकिन उसको अगेन मैं बोलता सिगुफा छोड़ दिया गया, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। देखिए, नैरेटिव सेट हर बार काट के हांडी नहीं चढ़ती है, उसको आपको राजनीतिक तौर पे दूरगामी परिणाम लेकर के राजनीति करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कांग्रेस फेल हो जाती, कांग्रेस शॉर्ट टर्म नैरेटिव सेट कर रही है, वो नैरेटिव सेट करना इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत खूबसूरती से चीजों को अपने अपने पक्ष में करते नजर आ रही है, उसका परिणाम आपको रिजल्ट में दिख रहा है। जी जी जी, नैरेटिव सेट करने वाली बात को लेकर आगे एक सवाल रहेगा, और सिरोही साहब मुस्कान के साथ बिल्कुल आपका रिएक्शन प्लीज। ये बड़े अच्छे लोग आते हैं आपके यहाँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। कांग्रेस में जाट तो उसके खिलाफ एंटी जाट, उधर धनखड़ जी जाट, कैप्टन अभिमन्यु जाट, तमाम जाट, वहां पॉजिटिव जाट, क्या क्या निरसन चलाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या कैलकुलेशन है।
भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई जाट है तो वो राष्ट्रवादी हो गया, उसके साथ तमाम 36 कौम जुड़ गई है, और जो कांग्रेस का जाट है उसके साथ सारे लोग एंटी एंटी हो गए। वाह, ये चीजें जो है सिरोही साहब, शुरुआत से जिस तरह से नैरेटिव सेट करने में आप आगे रहे, कैंपेनिंग में आप आगे रहे, कैंपेनिंग में आप आगे रहे, बहुत सारी उम्मीदें आपकी रही, अचानक से वजह क्या रही कि भले अगर हम उसे कांटे की टक्कर मान ले, सुन लीजिए ना प्लीज सुन लीजिए, अरे अच्छा सवाल है, मजा आएगा आपको, वजह क्या रही कि आज कांटे की टक्कर जैसी स्थितियां आ गई, वजह क्या रही कि बीजेपी रुझानों में भी कई बार लीड कर रही है भले ही पीछे हो रही है, क्या वजह लगती है? देखिए मैं इसको आपको बहुत अच्छे से बता दूं, कांग्रेस संगठनात्मक रूप से उतनी मजबूत नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी है। जिस लेवल पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उस लेवल पर कांग्रेस का संगठन नहीं है, ये मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। बहुत अच्छी बात। वहां का जो चुनाव था, वहां का चुनाव वहां के मुद्दों पर रहा। देखिए किसानों का मुद्दा रहा, अग्निवीर का, अब अग्निवीर में तो जाट नहीं आएंगे, राणा जी को हो सकता है कुछ यहाँ समीकरण उल्टा आ जाए, अग्निवीर तो इधर काफी बड़ा हिरवाल में मुद्दा चला था। पहलवानों वाला मुद्दा है, जो आर्मी के जवान है उनका मुद्दा है, जो जो नौजवान बेरोजगारी के लिए है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाट के ही नौजवान बेरोजगार हुआ बाकी के बेरोजगार नहीं हुए, ऐसा तो कोई तबका है नहीं। मुझे ऐसा लगता है वो तो दौड़ भाग के इधर उधर करके हमारी भी कर लेंगे, मजबूत है थोड़े वो शरीर से, तो वो तो रोजी रोटी चला लेंगे, अंतर वो उधर भी आता है। तो यहाँ पर जो चुनाव हुआ है वो जनता का सबसे बड़ा निर्देशन रहा, और जनता ने जब मन बना लिया, देखिए 2014 में भी जब ये चुनाव हुआ था ना मोदी जी का, जब जनता ने मन बनाया था ऐसा ही मन अभी हरियाणा में 12-1 बजे तक देखिएगा, बहुत बड़े स्तर से कांग्रेस को समर्थन दिया है किसानों ने, नौजवानों, चलिए अच्छी बात है, जवानों ने, और भी उम्मीद रखे हुए हैं, और होली भी चाहिए, और होली भी चाहिए जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं। सवाल मेरा ये था कि वजह क्या रही कि जो एक तरफा माहौल लग रहा था अब वो कांटे की टक्कर में तब्दील होता नजर आ रहा है। एक शॉर्ट रिएक्शन डॉक्टर शर्मा आपका जी प्लीज। जैसा कि अभी हम जो ट्रेंड देख रहे हैं या ईसीआई का ऑफिशियल डेटा देखते हैं तो उसमें लगभग जो डिफरेंस दिख रहा है दोनों ट्रेंड का वो 46-37 है, बीजेपी 46 और कांग्रेस 37। देखिए आपको भी एक बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के जब 2023 में इलेक्शंस हुए उस समय आपने देखा होगा एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ज्यादातर जो एक्सपर्ट थे या जो राजनीति को समझने वाले लोग थे वो मानते थे कि यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूती से आने की स्थिति में है। ठीक। लेकिन जैसे जैसे ये चीज स्प्रेड हुई आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है बीजेपी का, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसको एक्सेप्ट किया है, ये सत्य है कि उसका जो सेटअप है उसके सामने आज देश में कोई दूसरा पॉलिटिकल आउटफिट नहीं है। उन यही कहीं ना कहीं कारण हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया, लेकिन वहां जो ओल्ड कैडर है उसको सेटिस्फाइड करना, जैसे अनिल विज जैसे लीडर मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ऐसे कई लीडर से वो गाना गा रहे थे अभी टीवी पे जी, विज साहब अभी गाना गा रहे थे थोड़ी देर पहले टीवी पे, हालांकि थोड़े लंबे समय तक कैसे भी चले हो, मैंने सुना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये जो रिजल्ट में या जो एक्सपेक्टेशन थे या प्रिडिक्शंस थे उन प्रिडिक्शंस में जो चेंज मेजर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उसका जो मैं क्रेडिट देता हूं वो वहां की सरकार की प्रो इनकम्बेंसी को नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो मजबूत पकड़ है या उनका काम करने का जो तरीका है उसको देना चाहूंगा कि जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आते हैं भारतीय जनता पार्टी उतनी ही ज्यादा, देखिए भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर वो राजनीतिक दल है जो अच्छी खबरों पर बुरी खबरों पर तो काम करती करती है लेकिन अच्छी पर भी पीछे नहीं हटती है। इसी का ही परिणाम कहीं ना कहीं अगर ये रिजल्ट में आता है ये जो ट्रेंड्स हैं तो मैं मान के चलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन की स्ट्रेटजी और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी प्लानिंग एक बड़ा फैक्टर मानी जाती है। ये आपने सही कहा, दो चीजें बिल्कुल पैरेलल चल जाती हैं, एक तो बीजेपी जिस तरह से आक्रामक हो जाती है और कांग्रेस जिस तरह जीत के मुंह से हार को छीन कर ले आती है वो हमने छत्तीसगढ़ में देखा ही है। डॉक्टर व्यास, प्रेम व्यास भी हमारे साथ जुड़े हुए, प्रेम व्यास साहब आपका एक रिएक्शन फिर हमें राणा सर के पास जाना होगा जी। नहीं देखिए एक राजनीतिक दल जो 60 वर्षों तक भारत पर एक छत्र राज करता आज अगर वो ये स्वीकार करे कि हम संगठनात्मक रूप से कमजोर है तो ये किसकी कमजोरी है,
ये वीकनेस किसकी है? ये कांग्रेस पार्टी की वीकनेस है, शीर्ष नेतृत्व की वीकनेस है, या आम जो नेता जो जिस तरह से जो विचार फैला रहे हैं उनकी वीकनेस है? दूसरी बात है कि जाटों के बारे में बात करी गई, तो मैं पहले थोड़ा सा व्यक्तिगत बता दूं, मैं राजस्थान को बिलोंग करता हूं, मेरे नाना मामा जो है वो जाट है, चूंकि जाट परिवार जो है वहां के ब्राह्मणों को गोद लेता है। अब दूसरी बात है जो जाटों के विषय में बात थी उसमें धनगढ़ जी पर मिमिक्री की जाती है, तो यही जाट जितने हमारे भारत के वो चुप रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगर कुछ कहा जाता है या विशेष परिस्थितियों में कुछ टिप्पणी कहा जाती है, क्या नहीं कहा जाता है? ठीक, बोलिए, कंटिन्यू प्लीज। जी देखिए, और तीसरी बात है कि जो ये जम्मू कश्मीर को लेकर प्रसन्न हो रहे हैं, वहां पर लगभग 40 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में आप आगे, आप सिर्फ कांग्रेस के दम पर आगे नहीं है, यहाँ पर हरियाणा में स्थितियां उलट है, स्थितियां हरियाणा में हमने कहा था कि जिस तरह से हमने विकास कराया, बीपीएल कार्ड की बात हो, खर्ची और पर्ची को नकारते हुए हमने ऑनलाइन सुविधाएं वहां पर दी है, दूसरा वो राजस्व बढ़ाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ाए, हम इन चीजों को लेकर आशान्वित थे और पूर्व से कह रहे थे कि प्री कंबेंसी हम दिखाएंगे, हम तीसरी बार सत्ता में आकर दिखाएंगे। वही कांग्रेस मात्र सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे थी, इसीलिए मुझे लगता है कि उस समय में परिणाम और स्पष्ट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर जो हमारा आकलन है, निश्चित रूप से हम उसके इतर आसपास पहुंच जाएंगे। जी, जैसे कांग्रेस एनसी के साथ चल रही है, आप वहां बहुत सारे निर्दलियों के साथ चल रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस पिछले अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए उस हिसाब से, एक रिएक्शन राणा सर का भी ले लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि राणा सर ने भी अभी जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे विनेश फोगाट के मुद्दे को लेकर। संजय जी, दरअसल विनेश फोगाट, हमने पहले भी जिक्र किया था, बार बार कहा जा रहा था कि जितनी भीड़ और जितना जमावड़ा उनकी सभाओं में रैली में रहा है, वहां तो किसी सीनियर लीडर ने भी उसे पार नहीं पाया, और ये बिल्कुल पुख्ता था कि विनेश जीत कर आने वाली है। हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन अभी वो रुझानों में पीछे चल रही है, स्टारडम काम कर रहा था क्या उस भीड़ के पीछे? देखिए रेनू, मैं एज ए देश की नागरिक है, वो हमारी सम्माननीय बहन की तरह है, उनको मैं सम्मान करता हूं, लेकिन वो स्टारडम के अलावा और कुछ भी नहीं था। देखिए किसी भी नेता के जो भी सभा होती है उसमें भीड़ का इकट्ठा होना, वही भीड़ को वोट में कन्वर्ट कर देना, ही तो बड़ी बड़ा आश्चर्य हो जाता है। आपने देखिए पहले जमाने मायावती की जो रैली हुआ करती थी, 20-20 लाख 10-10 लाख लोग आते थे, क्या 10 लाख लोग उनको एक ही तरफा वोट दे देते थे, बीजेपी जीत जाती थी, सॉरी बीएसपी जीत जाती थी? नहीं, भीड़ का आंकड़ा कभी भी वोट में कन्वर्ट नहीं होता। भीड़ कैसे लाई जाती है आपको पता है, 500 रुपए लेके 200 रुपए लेके बसों में भर के लाई जाती है। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता रहा हूं, मैंने भी काम किया है, लोगों भर भर के वहां पे लोग सभाओं में पहुंचाया। विनेश फोगाट का मुद्दा कोई मुद्दा था ही नहीं, कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका, इसलिए लपका कि उनको लगा कि हरियाणा में जाट बहुल है, नो डाउट है, आपने इसे बोला कि धमक है तो है, इसमें मुझे बड़ा गर्व होता है कि धमक होनी चाहिए, 22% तो धमक के साथ रहना चाहिए। वो धमक को कैलकुलेट करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को इन्होंने लपक करके विनेश फोगाट के पीछे होकर राजनीति करनी चालू कर दी। ये बताइए जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे विनेश जी ने, हमारी बहन ने, वो मुद्दे क्या 2-4 साल पुराने थे? वो 15-20 साल पुराने थे भाई, उस मुद्दे को उठाने का तात्पर्य क्या होता है? जब हम बात करते अग्निवीर की योजना पे, देखिए बार बार दोबारा फिर बोल रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो सैनिक होते हैं हिमाचल से, हरियाणा से, उत्तराखंड से आते हैं, और सैनिकों में सही होने वाले भी इसी समुदाय के और राजपूत और जाट समुदाय के लोग ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि योजना गलत थी, उसको प्रोजेक्शन कैसे किया गया वो देखना चाहिए। और तीसरा देखिए, कांग्रेस ने अगर पूरी रणनीति आप इनको देखिए किस पे थी, किसान, जवान और पहलवान। अरे भाई, ना पहलवान परेशान है, ना जवान परेशान है, ना ही किसान परेशान है। किसानों की बात करते हैं, एमएसपी 1965 से लागू की गई थी, 1965 से 2014 तक सो रहे थे क्या? ना 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 राणा साहब, जवानों की नाराजगी तो रही है, अग्निवीर अगर इतनी अच्छी है तो सरकार क्यों मान रही है कि चलो अब इसको सुधार करते हैं? सुधार योजना है ना, हम बताते हैं सुधार क्या करने की जरूरत है। देखिए, जितनी सरकार को जरूरत है सेना में उतने लोगों को लिया जाता है, जो 4 साल के लिए लोगों को लिया जा रहा था उसमें एक त्रुटि मैं मानता हूं और सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। मैं बोल रहा हूं जो शहीद हो जाता उस 4 साल के अंदर, उसको शहीद का दर्जा और उसी तौर पे इसे एक सैनिक का सम्मान होता है उस तरह से होना चाहिए। वो अगर दूर कर लेते हैं तो अग्निवीर की भी योजना और पैसे
पहुंचना नहीं, बिल्कुल आर्थिक सारे 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 चीज एक सैनिक के बराबर होनी चाहिए। शहीद हुआ बच्चा चाहे उन 4 साल में काम कर रहा हो या 40 साल में काम, शहादत तो शहादत होती है, उसका हमें सलाम करना चाहिए, वो अपने देश के लिए जान देता है। और ये योजना क्यों लाई गई थी, देखिए ऐसा है कि सिंगापुर में मैंने अपनी पढ़ाई भी की, सिंगापुर में हर नागरिक को 2 साल सेना में देना पड़ता है छुट्टी लेके, इसराइल चले जाइए सेना में देना पड़ता है। तो ये योजना अगर आती है, हर आदमी अगर सैनिक की तरह प्रशिक्षण लेता है और सीख जाता है, क्योंकि मेरा आर्मी बैकग्राउंड भी है, तो कहीं ना कहीं देश में उसका उसका लाभ मिलेगा। लेकिन हाँ, उसको प्रोजेक्शन गलत किया गया, कुछ त्रुटियां हैं, सरकार पे डिस्कस करके उसको त्रुटियों को दूर किया जा सकता था और किया जाना चाहिए। मैं बार बार बोला किया जाना चाहिए, ठीक, लेकिन अब तो वो विरोध तो उसका हो ही रहा है। अब वो जो सुधार किया जाएगा वो तो भविष्य की बात है सर। देखिए अभी तो वर्तमान में जो है वो यही है कि नाराजगी है अग्निवीर योजना को लेकर लोगों में, क्योंकि अगर 4 साल के लिए जा रहे हैं, अच्छा ये भी कहा गया है मध्य प्रदेश का हम जिक्र करेंगे कि जो भी आएंगे उनको बाकी अन्य भर्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी, जितने भी सैनिक भर्ती होंगी प्रदेश में, जितने भी सुरक्षा एजेंसियों के तहत जो भर्तियां होंगी उनमें हम अग्निवीरों को पहले प्राथमिकता में रखेंगे। तो इस तरीके के वैकल्पिक इंतजाम करने की अगर बात की जा रही तो कुछ तो लूपहोल्स है, जाहिर सी बात है। देखिए पहले भी था, जो भी पूर्व सैनिक होते हैं उनका रिजर्वेशन आज भी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन है, उसमें कुछ नहीं, उसका पैरामीटर जो परसेंटेज है उसको बढ़ाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू में बार बार बोले से हमारे मित्र ने बोला कि उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, जितनी फाइनेंशियल चीजें होती हैं जो एक सैनिक की होती उसको भी उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन ये योजना बुरी नहीं है, उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया गया, हम कहते राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाए थे, एक बार भी कभी सुना आपने राहुल गांधी जी ने इस पर पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया कि इसको शहीदी का दर्जा देना? नहीं, वो मणिपुर मणिपुर चिल्लाते हैं, ये बहुत मणिपुर मणिपुर चिल्लाते हैं, मार्के की बात। सिरोही साहब सदन में मुद्दा, प्लीज सिरोही साहब। मैं वो हमारे गांव में, मैं किसान आदमी हूं, गांव का, हमारे गांव में क्या एक भैंस आई, उसका बोला सींग नहीं है, बोला ठीक बात है कोई बात नहीं, भैंस तो है सींग नहीं है। फिर किसी ने बोला कि उसकी पूंछ में तकलीफ है, अरे बोला भैंस तो है पूंछ नहीं है। फिर एक ने कहा कि भाई भैंस तो है पर वो दूध नहीं दे रही है, ऐसी मतलब 5-25 उसमें कमियां निकालती, पर वो अड़े रहे कि नहीं नहीं वो भैंस तो है। यही राणा जी कर रहे हैं कि अग्निवीर बहुत अच्छी है, वो भी कमी है, भैंस की बात कर रहे हो, भैंस भैंस दूध देती है, सिंह हो ना हो दूध देती है, आप भैंसे की बात कर रहे हो, आपके हो सकता भैंसा दूध देता हो, हमारे यहाँ नहीं देती, हमारे यहाँ, हम भी गांव से आए बगल में 40 किलोमीटर दूर का हुआ और भैंसा नहीं देता, भैंसिया देती है, भैंस हमारी दूध देती बिना सिंह वाली। सुन लीजिए आप, मैं जो ये कह रहा हूँ वो सुन लीजिए आप सिंगापुर में पढ़े, मैं रह के आया हूँ, यहाँ भी एनसीसी की 3 साल की ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट ए सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी, यहाँ भी लोगों को छोटा छोटा काम, की काम है। भी आर्मी की चर्चा है।